यहाँ भगवान श्री कृष्ण एडमिट आने करने के लिए भवन के अंदर नाइट में कोई रुकता नहीं है, यहाँ जो रुकता है वो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, पागल हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स संतोषी। मेरी वन जा रहे हैं सबके साथ, बहुत ही भीड़ कर रहे हैं, बहुत डस्ट, सिर्फ धूल ही धूल, ये अबीर है पूरा यहाँ पे। ये हम टोटो लेके निकल जाते हैं निधिवन घूमने के लिए। यहाँ पे जो रोड है काफ़ी छोटा रहता है, मतलब गली है सिंपली, ये गांव है बेसिकली, और वहाँ पे छोटे छोटे गलियाँ बनी हुई हैं, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटो चलता है। और जैसा कि होली का टाइम है तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई भी कहीं से भी आपको रंग लगा सकता है, किसी भी गली से, किसी भी मतलब किसी भी तरीके से आपको रंग लगाया जा सकता है। तो होली यहाँ का तो एक्सपीरियंस करना बनता है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा होली का। ये डे वन का है जहाँ पे हम लोग निधि वन और गोविंद घाट जाते हैं, सो हम लोग उसको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आपको कि कैसा रहा, और काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर। और यहाँ पर हाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, तो मेरी तो चश्मा ही गायब हो गई थी, चश्मा गायब हो गई थी, फ़ोन बचा के रखना सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर होते हैं वो सब गायब हो गए। बुरा न मानो, और ये तो वृंदावन का होली है, बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, इसलिए तो बस पहन रहे थे सब। मेरे चश्मा निकालिए जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, डाक डाक के सब आ रहा है, किनारे बैठी हो ना इसीलिए, और बैठे उधर होली खेलना, वृंदावन का होली, बलून तो सारा राधे राधे। छोटा छोटा क्लिप क्यों ना ऐड कर लेना, हम लोग घूंघट हम लोग दुल्हन बने ना, बोली गाइस इसको देखो, मार के भैया वीर से छुपना पड़ रहे गंगूबाई गुलाब का कमी है, लगा नहीं ना ज्यादा इसीलिए। बस इसी जाम में मेरा चश्मा गायब हो जाता है, जैसे अभी मैंने पहना हुआ है, लेकिन बंदर अचानक से जंप करके मेरा चश्मा ले जाता है, तो बच के रहना। पावर वाला चश्मा तो बिल्कुल नहीं पहना, इसलिए मैंने पहना नहीं था, ऐसे मुझे आइडिया था, ये लोगों ने बता दिया था। ये है गोविंद घाट जहाँ पे हम लोग आए थे, बोटिंग कर रहे थे, और इस बोटिंग में काफ़ी मज़ा आ रहा था, गाना भी बज रहा था, और एक छोटा सा बच्चा था जो हम लोगों को बहुत क्यूट लगा, साथ ही साथ वो बहुत वही होली खेल रहा था, खुश हो रहा था, बहुत सारा रंग खेल रहा था। ये जो प्यारा सा बच्चा आया था, ये इसने पूरा माहौल बना दिया था, वो रंग से खेलता और हम लोग भी उसके साथ बहुत खेले, सो ये ऑल ओवर तो बहुत अच्छा था।
कहा जाता है कि वृंदावन की जमीन बहुत महंगी है, इसलिए लोग अपने माता पिता के अपने परिवार के नाम से यहाँ मार्बल लगवाते हैं। ये होता है कि एक टुक जमीन हम अपने माँ बाप के नाम पे खरीदे या अपने परिवार वालों के नाम पे खरीदे। हाँ, यहाँ का जमीन बहुत महंगा है, जमीन नहीं खरीद पाते वो उनके नाम से खरीदते हैं। ये दूसरा दोस्त है, यहाँ का मार्केट नाइस, गुड आइडिया। ये हमारे साथ एक गाइड थे जो कि वहीं के रहने वाले थे, वही हमें बताएंगे यहाँ निधिवन का कहानी। तो हम लोग इनके साथ चल रहे थे और इनकी कहानियाँ को भी सुनेंगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एडमिट डांस करने के लिए वन के अंदर नाइट में कोई रुकता नहीं है, यहाँ जो रुकता है वो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, पागल हो जाता है, मर जाता है। शाम को यहाँ से मोर वंदा जी गुंटू पंडित प्यारी सभी यहाँ से बन के भाग जाते हैं, वन के अंदर कोई नहीं मिलेगा दीदी। यहाँ आके भगवान ने आज भी रास्ते इन पेड़ों को दर्शन करना, पेड़ों का यही पेड़ नाइट में गुपिया बनते और दिन में पर छोड़ते। राधे राधे बोलो, राधे राधे। ये निधि वन है जिसमें 108 ऐसे ही वन है जो कि नीचे से सूखे और ऊपर से हरे भरे हैं। कहा जाता है कि ये सारी गोपियाँ थी जो कृष्ण जी से रास रचाने आया करती थी निधिवन, और यही बाद में ये वन बन गई। निधिवन ना बन 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 सच में ये तो ओपन है। ये वो कुआं है जहाँ पे राधा जी अपने सखियों के साथ स्नान करने आया करती थी। ये है पूरा निधि वन जहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी जगह में पूरी फैली हुई है। तो काफ़ी छोटे छोटे जगहों से लोगों को आने जाने का जगह बनाया गया है, लेकिन पेड़ इतने इतने ज़्यादा भरे हुए थे, 108 कुल मिला के पेड़ है, जहाँ पे ये माना जाता है कि ये कृष्ण जी की गोपियाँ हैं जो उनके साथ रास रचाने आती थी। और आप शायद ये भी सुना होगा कि यहाँ पे कोई भी रात में नहीं ठहरता है, क्योंकि जो भी ठहरा है वो वापस नहीं जा पाया है। बड़ी गंदी वाली कड़ी है। चलो 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 वहाँ से मिट्टी ले लो, मुकमा की नहीं है मिट्टी, मुकमा खाना माथे से लगाना। ये वैसी समाधियां हैं जो वहाँ पे लोग रुके थे, जो चीज़ों को देखना चाह रहे थे कि होता क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि वहाँ रात में क्यों नहीं रुकना चाहिए, तो वो वापस कभी नहीं आए, तो उनकी समाधियां वहीं पे बना दी गई हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखना। जय श्री कृष्ण।